हाँ शायरी वाली। काफ़ी अलग ही हिट करी थी हाँ और वो शायरी सारे ही जी डिफरेंट। सो गुड टू सी यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो गाना है उससे बात करने से पहले आपके गाने जिन्होंने देखे हैं एक मुस्कुराहट से चेहरे के पीछे काफ़ी दर्द नज़र आ रहा था उसके बारे में देखिए मुझे लगता है कि कुछ भी कुछ गाने की फील से रिलेटेड या कुछ लिखने के पहले वो चीज़ आपको अंदर से महसूस करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब वो अंदर से महसूस होगा तभी आप उसकी एग्जैक्ट फील लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ही अपना वेब साथ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हाँ आपके पहले गाने को भी काफ़ी आया इस गाने को भी काफ़ी आया तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप ग्रुप ग्रुप सेंटर पर। मैं मतलब खुशनसीब मानता हूँ कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं गाना एंड काफ़ी मतलब मैंने व्यूज़ व्यूज़ के बारे में सोचा नहीं था। इट इज़ जस्ट दैट कि मतलब मैं गाना निकालूं लोगों तक पेश करूं और लोग उस चीज़ को पसंद करें एंड पीपल आर लविंग इट। तो मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि इतने सारे प्यार करने वाले हैं जो कि प्यार दे रहे हैं। बात गजल की करते हैं तो वहाँ पे लिरिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो जब एक जो लेखक होता है जो भी सिंगर होता है जो लिखता होता है वो कोई ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे वो अपने लव व्यवहार कर सके तो आपको कौन सा इन्वायरमेंट आपका सबसे बेटर रहता है जहाँ पे आप अच्छी चीज़ें लिख पाते हो। अच्छी चीज़ें लिख पाता हूँ मुझे सुकून चाहिए, सुकून और चाय का कप चाहिए मुझे और मतलब उसी में लिख पाता हूँ। लेकिन मेजरली मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ इधर उधर तो बस फ्लाइट्स में हो जाता है कभी कभी, या कभी अपने लिए बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ, कभी इधर चला गया उधर चला गया, तो वहाँ रियाज अपना अपनी शायरियाँ वो सब लिखता हूँ मैं। हाँ मतलब क्योंकि मैंने मतलब ये चीज़ जब शुरू करी थी तो मेरा था कि मुझे पहले शायरी करनी है उसके बाद गाना उठाना है। तो ये मेरा एक पैटर्न है जो लोग जो कि लोगों को पता है कि हाँ एक शायरी आएगी अब गाना आएगा, तो पहले शायरी इज़ मस्ट। हंड्रेड परसेंट हुआ है तो वो होता है तभी हो पाता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छी चीज़ के लिए हुआ है, इट्स गुड ओनली। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सब लोग बड़े अच्छे रहे हैं मुझसे, ऐसा कोई बात नहीं है किसी ने धोखा दिया ऐसा कुछ, एवरीवन इज़ नाइस। बट ये बस मैंने लोगों के एक्सपीरियंस से कि लोग क्या फील कर रहे हैं, लोग किस फेजेस से गुजर रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने शायरी लिखी थी कि कोई गम नहीं कि उसके लिए मैंने क्या क्या गवा दिया, कोई गम नहीं कि उसके लिए मैंने क्या क्या गवा दिया, पर खुशी ये है कि आज उसकी जुदाई ने मुझे शायर बना दिया। वो एक्सपीरियंसेस से ऑब्जर्वेशन से लोगों को ऑब्ज़र्व करके कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं या ख़ुद में उन्होंने क्या फ़ील किया है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो ध्यान वहाँ पे रख के वो लोग लिखते हैं। जी नुसरत साहब हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं मेरी, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे बचपन से लेकर अब तक, उन्हीं से मैंने लिखना सीखा है, गायकी मैंने उनसे थोड़ी बहुत सीखी है। हालांकि मैं बचपन से म्यूज़िक सीख रहा हूँ, मेरी फैमिली म्यूजिशियंस हैं, मैंने नाना से शुरू किया अपने सीखना एंड देन धीरे धीरे करके जो इतने सारे सिंगर्स हैं बॉलीवुड के सिंगर्स हो गए पाकिस्तान के सिंगर्स हो गए, क्योंकि म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज़, आप सब जगह से सीखते हो, तो मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा सीख के एक अपना स्टाइल निकाला है। हाँ जी जी मतलब अच्छा है, मतलब अच्छा लोग उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आजकल के मॉडर्न साउंड यूज़ करके थोड़ा मॉडर्नाइज करके, क्योंकि अगर पहले की एकदम हम बात करें तो वो हम आज के ज़माने में सेम ऐसे चिपका नहीं सकते हैं, वी हैव टू डू समथिंग विद इट, थोड़ी नई बीट्स डालनी पड़ेंगी, कुछ म्यूज़िक में चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि यूथ एंड सारी ऑडियंस कनेक्ट हो। शायरों का जनरली का देखा है बड़ा नाता होता है जाम के साथ
साथ, तो ऐसा क्या होता है कि मतलब शायरों को जाम चाहिए होता है या फिर मतलब उनको वही बूस्ट मिलता है उस चीज़ से? ये मैं आपको बताता हूँ, मैं तो पीता नहीं, मेरा काम है पिलाना तो मैं पिलाता हूँ शब्दों से, शब्दों से, क्योंकि नुसरत साहब की एक शायरी है कि जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी, पर तेरी नज़रों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। मैं अपनी म्यूज़िक की जर्नी को एक गाने से रिलेट कर पाता हूँ, रहमान साहब का गाना है कुन फाया कुन, तो वो मैं बड़ा सुन के मैं एकदम डायरेक्ट कनेक्ट होता हूँ। और वो मैं अपने इनिशियल डेज़ में गाना सुनता था, जब मैं एकदम स्ट्रगलिंग पीरियड में था अपने, तो तब मैं वो गाना सुनता था, और उस गाने ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक रहमान साहब फॉर मेकिंग दिस मास्टर पीस। फिल्म में तो सिचुएशंस के हिसाब से गाने होते हैं, मतलब क्या सिचुएशंस है उसके हिसाब से गाने बनते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो सिचुएशन के हिसाब से बन रहे हैं गाने। तो आतिफ असलम, आतिफ असलम के साथ किया था आपने, अरिजीत सिंह के बाद, क्योंकि उन्होंने पहले किया था, हाँ, राइट राइट राइट, वो एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि आबिदा जी, आतिफ भाई और मैं साथ में, मतलब एक स्टेज पे थे, अलग परफॉर्मेंसेस था, मेरा था, आबिदा जी थी, आतिफ असलम थे, तो उनके साथ स्टेज शेयर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग दिग्गज लोग हैं, उनको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, सो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए वो। मतलब स्टेज पे नहीं तो बैक स्टेज तो काफ़ी सारी बातें होती हैं, हाँ हाँ 100%। आबिदा जी ने मुझे इतनी दुआएं दी, जब मैं गाना मैंने ख़त्म किया फिर मैं उनसे बाद में मिलने गया, इतनी दुआएं दी उन्होंने मुझे कि तुम तरक्की करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो चीज़ हमेशा लाइफ के साथ जुड़ गई है मेरे। एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब आज की जनरेशन होती है उनको एक पार्टी पॉप कल्चर ये ज़्यादा उनको सूटेबल लगता है, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ें, गज़ल की तरफ थोड़ा नहीं जाते, तो ऐसे क्या डिफरेंस आपको लगती है जिसकी वजह से ये कल्चर शिफ्ट, क्योंकि गज़ल का भी अपना दौर रह चुका है। गज़ल का एक दौर रह चुका है, कवालियों का अलग दौर है, तो मैं कवालियाँ पेश कर रहा हूँ और मैं कई हद तक लोगों को लेके आ चुका हूँ। सेंट्रल लुक है, हाँ बस वही अच्छा तो मुझे लगता है कवालियों में काफ़ी हद तक मैं लोगों को यहाँ पे खींच के ला चुका हूँ, क्योंकि मेरे शोज़ में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं, कवालियों को प्यार करते हैं, सूफ़ी म्यूज़िक को प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ लोग क्लब्स में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मतलब सब जॉनर लोग सुन रहे हैं, लेकिन कवाली इज़ ऑल्सो अ जॉनर जो लोग आजकल सुनना बहुत पसंद कर रहे हैं, और सोल्ड आउट शोज जाते हैं मेरे यहाँ। हाँ तो हर टूर में मेरी ऑडियंस इंक्रीज़ होती रहती है, अब एक मैंने टूर किया उसमें मैंने अपनी ऑडियंस बना ली, वो बन गई ऑडियंस मेरे साथ, नाउ दे वेट फॉर द नेक्स्ट कॉन्सर्ट, जो नेक्स्ट टूर होता है फिर लोग उसमें अपने दोस्तों को बताएंगे, फैमिलीज़ को बताएंगे कि द कॉन्सर्ट वॉज रियली गुड, साथ चलो, सब चलो, तो ऐसे करके काफिला बढ़ता रहता है। जी सलीम भाई, सुलेमान भाई के साथ एक गाना आ रहा है बहुत जल्दी, वो आप सबको सुनने को मिलेगा मर्चेंट रिकॉर्ड्स पे, बड़ा खूबसूरत गाना हमने रिकॉर्ड किया है, मैं इंतज़ार है बस वो आए और आप लोग सुने, मज़ा लें उसका। इसी के साथ साथ आप किस तरह के गाने और आगे लाने चाहिए? मेरे देखिए सूफ़ी गाने भी आ रहे हैं, मेरे काफ़ी सारे 8-9 गाने मेरे इस साल आने वाले हैं जो कि मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, और अलग अलग तरीके के गाने हैं, कुछ सूफ़ी भी हैं, कुछ अलग तरीके के भी हैं, तो काफ़ी नया फ्लेवर लोगों को मिलने वाला है। जी तो गाना रिलीज़ हुआ है, अच्छा तो उस गाने की शायरी मैं करता हूँ कि तेरे नैनों का सुरूर मुझसे अब किस तरह से बयां होगा, तू किधर भी करे अपनी नज़रें मेरा तेरी तरफ ही ध्यान होगा, यार ने पिलाई है सरेआम अपने नैनों से मुझे, अब इस मामूली सी शराब से मेरा क्या होगा। तो गाने की शायरी है, सरकार साहब ने लिखी है, और जो कॉम्पोजिशन है अरिजीत भाई का है,
और मैंने गाया है, दो लाइन में आप सबके लिए गुनगुना रहा हूँ। तेरे नैनों से पी है अब पीने से क्या, तेरे बिना जिंदगी में अब जीने से क्या, तू दिल है धड़कन है तुझे साबित करूं क्या, तेरे साए में बन तावीज लगूं तेरे सीने से क्या, मुझे परवाह नहीं अब जग की चाहे जो भी हो जाए, मेरा सब कुछ छिन जाए पर माही मेरा हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके जो चाहने वाले आपके फैंस, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और मैं ऐसे ही हमेशा आप सबके लिए गाता रहूँगा। और बड़े सारे नए गाने आ रहे हैं, आप उन सबको भी प्यार दें। और इस साल तो प्लेलिस्ट चेंज होने वाली है बिस्मिल की। मैं कहना गलत गलत राइट, बड़ा खूबसूरत गाना नुसरत साहब का, दो लाइन में गुनगुनाता हूँ। कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। डन परफेक्ट। लुक सेंटर, सेंटर, थैंक यू थैंक यू। यही सब चाहिए। थैंक यू। हमारे स्पॉटिंग में आ रहे हैं। हाँ, एक मैं भी जाऊँगा, मेरे भी जाऊँगा। कौन सा वाला उसका क्यों नहीं जा सकता? अरे ये जिसने वो फोटो ली है वो पूछ रहा था। हाँ नहीं जाएगा पागल। हाँ ठीक है, मेरा कर देना, मैं लेता ही नहीं फोटो। इसलिए छापे तो तुम लोग को कभी हेलो भाई कैसे हो? हेलो हाउ आर यू एवरीबॉडी। मस्त मस्त भाई, आप बताइए कैसे हैं? बस आपकी दुआएं, सब अच्छा चल रहा है। गाना आ गया मेरा रिसेंट, अच्छा अभी 5-6 दिन पहले तेरे नैनो से। गिविंग मी ऑल द लव, थैंक यू सो मच, बड़ा शुक्रिया आप सबका। और भाई कुछ शो होने वाला है आपका? मेरा शो एक्चुअली इंडिया टूर आ रहा है बहुत जल्दी। okay. तो मैं बहुत जल्द डेट अनाउंस करूंगा और बॉम्बे में नवंबर में होने जा रहा है, तो बॉम्बे वालों गेट रेडी फॉर इट, आई एम गोना कम टू यू बिस्मिल की महफिल लेकर। कोई शो करने आए आप यहाँ पे? एक्चुअली मैं एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था मेरा, उसके लिए आया था मैं। एंड सम लंच विद फ्रेंड्स। कुछ नया प्रोजेक्ट आपके क्या क्या आने वाले हैं? कुछ मेरे नए काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं, मेरे 7-8 गाने आ रहे हैं इस साल। बारिश अभी जैसे कि स्टार्ट हो गई, तो बारिश पे एक गाना आ रहा है, तो आप सब लोगों को पसंद आएगा वो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।